बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैका पर प्रैक्टिकल किस तरह करते हैं और वैका के जो है यूज़र इंटरफेस कैसा है उस पर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वैका का ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे सर्च बार में, यहाँ से ओपन करते हैं वैका। वैका यहाँ से मैंने ओपन कर लिया इसको, बैक ओपन हो रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया हमारे पास वेका का। और उसके बाद जो है हम इसमें एप्लीकेशंस देखी हैं जिसमें एक्सप्लोरर है, एक्सपेरिमेंटर है और नॉलेज फ्लो है, वर्क बेंच है, सिंपल सीएलआई मीन कमांड लाइन है। तो हमने क्या करना है कि हमने जस्ट एक्सप्लोर पे इंटर करना है, एक्सप्लोर करना है जिसमें मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स दिए गए हैं। हमने उन एल्गोरिदम्स पे उनको अप्लाई करना है। अपने हमारे पास एक डाटा सेट होगा, यहाँ से हम क्या करते हैं ये देखें, क्लासिफाई है, क्लस्टरिंग है, एसोसिएट है, सेलेक्ट एट्रीब्यूट है, विजुअलाइजेशन है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से जो है ओपन फाइल, यहाँ से हमने डाटा सेट को लोड कर लेना है। ये हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास डाटा सेट पड़ा है डाउनलोड में। डाउनलोड में जाऊंगा और कंप्रेस्ड फाइल, ये ब्रेस्ट कैंसर में है। यहाँ पे डाटा में आऊंगा, डाटा आरएफ फाइल, सॉरी इसमें मैं कर देता हूँ सीएसवी फाइल। ठीक है, ये सीएसवी फाइल है हमारे पास। या फिर आप ARFF की एक्सटेंशन भी बना के इस फाइल को वो भी अपलोड कर सकते हैं, या सीएसवी फाइल करनी हो तो हमने यहाँ से सीएसवी फाइल सिलेक्ट करना है, फिर क्या करना है ओपन कर लेना है। जस्ट ये हमारे पास डाटा लोड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ रहे हैं, 10 एट्रीब्यूट हैं जिसमें एज है, ठीक है, मेनोपॉज है, ट्यूमर साइज है, इनमें नोड्स है, नोड कैप्स है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट क्योर्ड कर रहा है, एरिडेंट है, क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेम मिसिंग है, डिस्टेंट आ रहा है और नॉमिनल यूनिक वैल्यू में के 1 आ रही है, 0% है जिसमें। तो यहाँ एज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज का, ये देखें एज 90, 96, 57 मीन के वो बता रहे हैं कि इस एज के लोगों को क्या है, ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो यहाँ से मैं विजुलाइज, जैसे विजुलाइज करूंगा तो सारा हमारे पास यहाँ पे तमाम एट्रीब्यूट्स का विजुलाइजेशन शो हो जाएगी। ये देखिए, ये एज आ गया, ट्यूमर साइज आ गया, ये सारी चीज़ें, क्लास, ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो गई हैं ब्रेस्ट क्योर। तो उसके बाद हमने इसको क्लास कर लिया, ठीक है, तो हमने यहाँ से देखे ट्यूमर साइज, ये देखिए ट्यूमर साइज आ गया, ये सारा वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। यहाँ से हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, अगर फिल्टर लगाना चाहें कोई डाटे को जिसमें फिल्टर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर डाटा आपके पास सुपरवाइज या अनसुपरवाइज फॉर्म में है तो वो भी आप उसको भी यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं इजीली। तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, तो मेरे पास एक डाटा फार्मल है बना हुआ, तो इसको मैं यहाँ आता हूँ क्लासीफाई पे, ठीक है, क्लासिफाई पे आके मैं यहाँ से जो है एक एल्गोरिथम सिलेक्ट करूंगा जिसमें फंक्शंस, फंक्शंस का एक एल्गोरिथम है SMO, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पे इस डाटा सेट पे जो है मैं अप्लाई करता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ पे ये देखें, ये सारा हमारे पास रिजल्ट उसने बता दिया है, ये क्या स्कीम है, रिलेशन है, ब्रेस्ट कैंसर इंस्टेंस कितने हैं, इंस्टेंसेस हमारे पास कितने हैं, 286 हैं, एट्रीब्यूट कितने हैं, 10 है, वो सारे एट्रीब्यूट के नाम भी यहाँ आ गए हैं। टेस्ट मोड क्या है, 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम कर रहे हैं, ये क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड 10 पे रखा हुआ है हमने, ठीक है। क्लास वन मॉडल फल ट्रेनिंग सेट है, SMO एल्गोरिथम है, ये चीजें सारी, ये सारी चीजें हमारे पास ये शो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं समरी में, समराइज करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस कितने हैं, 195 मीन के 68%, ठीक है,
और इनकरेक्ट क्लास में इंस्टेंस कितने 91, जिसका 31% बन रहे हैं। ये सारा स्टैटिक्स आ गया हमारे पास, ये सारे एट्रीब्यूट के टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस ये 286 हैं। उसके बाद एक्यूरेसी बैक क्लासिफाई, ठीक है, टीपी रेट के लिए आ सही है, एफपी रेट, प्रिसिशन, रिकॉल, मेजरमेंट, एमसीसी रॉ, पीआरसी एरिया और क्लास के लिहाज से ये सारे हमारे पास एवरेज रिजल्ट बताए गए हैं। उसके बाद ये हमारे मैट्रिक्स बताए गए, क्लासिफाइड किया गया है ए और बी में, मीन के रिकरेंसी इवेंट्स और नो रिकरेंसी ई और ए और बी में, इन दो में। अगर ये था हमारे पास एक फंक्शन, अब हम जाते हैं दूसरे फंक्शन, यहाँ पर लगा कोई और फंक्शन लगा के चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ लेजी पे, लेजी पे या फिर मेटा मीन पे, यहाँ से कोई भी आप फंक्शंस ये हमारे पास हैं, ठीक है। एल्गोरिथम हमने जो है वो अप्लाई करने हैं, मुख्तलिफ एल्गोरिथम है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लॉजिस्टिक, ठीक है, इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये लॉजिस्टिक के लिहाज से रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। प्रीवियस रिजल्ट चेक करें और इसको चेक करें, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 68 और इसका भी 68, मीन के सेम रिजल्ट आ रहा है। हम किसी और पे जाते हैं तो यहाँ से चेक करते हैं, के स्टार एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो इसका चेक करते हैं कितना रिजल्ट आता है। ये देखिए इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, प्रीवियस फंक्शन जो हमने यूज किए हैं एल्गोरिथम एसएमओ और लॉजिस्टिक उनका 68 आ रहा था, जबकि इसका जो है 72% जो है रिजल्ट आ रहा है, क्लासिफाइड इंस्टेंट करेक्ट इंस्टेंट। और डिटेल ये एक्यूरेसी रेट भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, टीपी रेट 353 है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो 300, ये देखें 18 0.318 0.353 कितना डिफरेंस है, और यहाँ पे आ जाए तो 282 आ रहा है। इन तीनों को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई और मीन के लगा सकते हैं ट्री, यहाँ पे आ जाते हैं तो J48, इसको भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस एल्गोरिथम को, ये ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन में, डिजीज प्रिडिक्शन में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए 74%, मीन हमने जो एल्गोरिथम्स यूज किए हैं इस फंक्शन में, इस डेटा सेट में, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर डिजीज प्रिडिक्शन में जो हम कर रहे हैं, ये देखें मशीन लर्निंग एक मीन के हमने आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो, तो उसमें एक तो फंक्शन लगाया एसएमओ, दूसरा लगाया हमने एल्गोरिथम लॉजिस्टिक, तीसरा लगाया के स्टार और चौथा लगा दिया हमने J48 मुख्तलिफ। इसके अलावा और भी आप लगा सकते हैं जितना लगा जाए, ये देखें 195 68, इसका देखें 68, मीन ये सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है एक्यूरेसी क्लासिफाइड के लिहाज से यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ये देखें 827 और 58 है, यहाँ पे आए तो 24 और 61, ये देखें फर्क आ गया। अच्छा के स्टार में आते हैं तो ये देखें 30 और 55 और 72, मीन ऊपर वाले दोनों एल्गोरिदम से हमारा रिजल्ट यहाँ पे बढ़ ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसके बाद J48 पे आए तो 74, मीन के 75% जो है हमारा रिजल्ट इसका करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंट्स है इसमें, उसका रिजल्ट जो है सबसे अच्छा जो हमारे पास रिजल्ट दे रहा है ये दे रहा है। अगर यहाँ से आप कोई और भी अगर रैंडम ट्री या रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज करना चाहते हैं तो उसको भी हम यूज करके देख लेते हैं यहाँ पे ट्री भी आने, तो इसका देखते हैं कितना रिजल्ट आता है 67 इसका रिजल्ट कम है। लेकिन सबसे जो हमने ये 1 2 3 4 5 5 एल्गोरिथम्स यूज किए हैं जिनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट जो हमें दे रहा है वो दे रहा है ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद कोई भी है तो क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, एसोसिएशन सिलेक्ट एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उनके ट्रेनिंग डाटा क्लास वैलिडेशन, यहाँ पे विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एज को अगर क्लासिफाई के लिहाज से यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें 42 to 49 50 to 59 60 to 69 30 to 39 70 to 79 20 to 29 ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखें एक्स एज है, वाई क्लास है, मीन के एक्स एक्सिस जो है वो क्या चीज है, क्लास,
एज है, एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे एज शो करवा रहा है, वाई एक्सिस देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्लासेस आ रही हैं कि उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे कलर वगैरह ये सारी चीजें हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये ब्रेस्ट फील्ड है और ब्रेस्ट फील्ड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं क्लिक तो ये देखें यहाँ पे क्या है, लेफ्ट लो है, लेफ्ट अप सेंट्रल है, ठीक है, लेफ्ट लो, राइट अप राइट नो, मीन ये देखें अब ये क्या चीज है, हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस ये है ब्रेस्ट फील्ड है, वाई एक्सिस क्या है ब्रेस्ट फील्ड है, ठीक है, ये दोनों मिल के यहाँ पे आके हमारे पास ये रिजल्ट ये शो कर रहे हैं, यहाँ पे फिर लेफ्ट लो में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और राइट अप पे उससे थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, एज जो है ये जो रिजल्ट है ये मिल के यहाँ पे एज देख रहे हैं, ठीक है, नोड्स कैप्स ये सारा चीजें हमारे डिस्प्ले कर देगा। इवन के वेका में जो भी प्रैक्टिकल करते हैं ना इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसको एक्सप्लोर करना है, हमने जो भी डेटा सेट है ना हमें उसको एक्सप्लोर करना आना चाहिए कि एक्सप्लोर हम किस तरह कर सकते हैं, उसमें चीजें बनी बनाई चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं, सिर्फ हमने उसको एक्सप्लोर करना है प्रैक्टिकल करके, ये सारे एल्गोरिदम्स दिए गए हैं। अब क्लासिफाई में मैंने आपको बताया कि कैसे एल्गोरिदम, मैंने 5 एल्गोरिदम यूज किए हैं जिसमें SML, Logistic, K-Star, J48 और Random Forest, ये एल्गोरिदम्स यूज करके आपको दिखाए हैं, ये सारे कंपेयर भी किए हैं, ये देखिए इसका रिजल्ट क्या है, फिर इसका बताया मैंने आपको, फिर इसका K-Star का बताया, फिर J48 का बताया, फिर Random Forest का बताया, ठीक, ये देखें 68 आ रहा है, इसका भी 68 करेक्ट इंस्टेंस जो है, बाय एक्यूरेसी जो क्लासिफिकेशन के लिहाज से एक्यूरेसी है वो यहाँ पे ये देखें टीपी रेट, एपी रेट, प्रेसिशन कॉल ऑफ रे कॉल, ये सारी चीजें मैं क्लासिफाइड कंफ्यूज मैट्रिक्स के लिहाज से यहाँ पे ये ए और बी में मैट्रिक्स बनाए गए हैं, ठीक है, जो रिकरेंसी इवेंट्स हैं और नो रिकरेंस इवेंट्स इवेंट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दो चीजें मैट्रिक्स में बनाया गया, ये सारी चीजें जो है हमने इनको एक्सप्लोर करना है कि, और एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये टाइम भी बता रहा है कि वो कितना टाइम लेता है इसको इस मॉडल को बिल्ड करने में, ठीक है, या इसको ले रहा है 0.19 सेकेंड्स, इसको कितने ले रहा है 0.03 सेकेंड्स, टाइम भी आप नोट करें ना तो इसमें 0 सेकेंड्स, लेकिन रिजल्ट कुछ अच्छा है J48 से, लेकिन क्या है एक्यूरेसी यहाँ पे देखें, ये देखिए 0.08 ले रहा है टाइम, यहाँ पे 0.1 मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो 0.21 ले रहा है, रैंडम फॉरेस्ट ये जो है सबसे ज्यादा ट्री रैंडम फॉरेस्ट फील्ड ले रहा है यहाँ से। फिर मैं वापस आता हूँ यहाँ पे एक दफा फिर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहाँ से डाटा सेट अपलोड करना है, डाटा सेट अपलोड करके एट्रीब्यूट्स यहाँ आ जाएंगे, अगर आप कोई एट्रीब्यूट यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे, जस्ट अब एज का एट्रीब्यूट है ये डिलीट करना चाहता हूँ, सारे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें, नहीं डिलीट करना चाहते नन कर दें, ठीक है, तो यहाँ से पैटर्न आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें क्लिक, कौन सा पैटर्न एक्सप्रेशन बता दें, और उसके बाद मैं यहाँ पे एज में आता हूँ तो ये देखें एज काउंट कर रहा है वो, और साथ में वो वेट भी बता रहा है कि 90 वेट कितना है, 90 मीन के कितने हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट में इंस्टेंसेस हैं 40 से 49 के दरमियान, कितने मीन के पर्संस हैं, एक किस्म के 90 हैं और उनका वजन 90 है, ठीक है, इसमें 96, इसमें 57, इसमें 36, इसमें 6, इसमें 1, और ये सारी चीजें यहाँ से भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और उसके बाद एक और चीज अगर आप डायरेक्ट यूआरएल दे के डाटा सेट को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैगल खोलता हूँ, ये हमारे पास डाटा सेट है तो ये कैगल से भी डाटा सेट को आप डायरेक्ट बगैर डाउनलोड किए इसको अपलोड कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये चीज था। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आए क्लासिफायर में और यहाँ से हमने मुख्तलिफ एल्गोरिदम को यूज किया है, एल्गोरिदम को यूज किया और उनका रिजल्ट देखा, एक्यूरेसी रेट देखी और उनके क्लासिफाई इंस्टेंस को क्लासिफाइड किया कि कितने मीन के करेक्ट हैं और कितने रॉन्ग हैं, उसके बाद उनके रिजल्ट देखे और उनके मैट्रिक्स वगैरह को देखा, और ये सारी चीजें आज के इस प्रैक्टिकल में हमने देखी हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें।